हमारी जिंदगियों को भी छीन लिया है। आज मैं इस वक्त यहाँ पर खड़ी हूँ, सबसे पहले ये कि मैं खुद भी एक विक्टिम हूँ। मेरे बाबा को गुजरे हुए 10 साल हो गए हैं। उस वक्त मैं मैट्रिक में थी जब मेरे बाबा मारे गए थे। मेरे सामने मेरे बाबा की डेड बॉडी रखी हुई थी। आज भी मुझे अपने हाथों में अपने बाबा के खून नजर आते हैं। वो लम्हा, वो वक्त नजर आता है जब मेरी माँ बेहोश पड़ी हुई थी, जिस पर कोई दवाई, कोई इंजेक्शन असर नहीं कर रहा था। जब मेरे छोटे भाई बहन सब बेहोश पड़े हुए थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। हमें तुमने इस हाल पे लाके पहुंचा दिया है। वो वक्त था जब मैंने अपने बाबा की डेथ बॉडी में खड़े होकर अपने आप से एक वादा किया था, जिस वादे को मैं 10 साल से निभा रही हूँ। कौन चाहता है कि वो दरबदर हो? कौन चाहता है कि उसकी जिंदगी अजीरन हो, उसकी जिंदगी वीरान हो? हर कोई चाहता है कि उसकी जिंदगी खुशहाल हो, उसके पास अच्छी फैमिली हो, अच्छी जिंदगी हो। लेकिन हमारे पास ना अच्छी जिंदगी है, ना कोई ऐसी फैमिली है। हम लोग जो है, ये हमारी फैमिली है, ये जो सारे विक्टिम फैमिलीज है, ये हमारी फैमिली है। आज यहाँ पर जितने भी फैमिलीज यहाँ पर है, जो इस वक्त इस क्रेप से गुजर रहे, इस दर्द से गुजर रहे हैं, उसका दर्द तो तसव्वुर ही नहीं कर सकते हो तुम, क्योंकि तुम उस दर्द से गुजरे ही नहीं हो। तुम जब उस दर्द को महसूस करोगे, जब उस दर्द से तुम गुजरोगे, तुम्हें तब एहसास होगा जब तुम्हारी अपनी औलाद की लाश तुम्हारी आंखों के सामने होगी। तुमने अपने प्यारों की लाश कभी देखा ही नहीं है। तुमने तो एक आलीशान जिंदगी गुजारा है, तुमने कभी गुर्बत नहीं देखा है, तुमने महरूम जिंदगी कभी गुजारा ही नहीं है। कभी बलूचिस्तान में आओ तो पता चले कि यहाँ तो पीने को पानी भी मयसर नहीं है हमें, या हम तालीम के लिए भी कितने मुश्किलों से गुजर कर, कैसे कैसे दिन हम गुजार कर, कैसे मुश्किलों से गुजर कर हम कुछ बन पाते हैं। आज मैं एक वकील हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं यहाँ तक कैसे पहुंची हूँ। मैंने अपना एक एक दिन कैसे गुजारा है, मैंने अपने भाई बहनों को किस तरह बड़ा किया है, किस तरह उनकी एजुकेशन कम्प्लीट की है। ये हमारी रियासत है, जिसे शर्म भी नहीं आती है, जो अपने घर में इस वक्त बैठ कर जश्न मना रहा होगा, उसे तो एहसास भी नहीं होगा। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेती हूँ आप लोगों का। अब मैं हमारे जितने भी लवायकी यहाँ पर मिसिंग पर्सन्स है, जितने बलोच है, कोई 10 साल से गायब है, कोई 15 साल से गायब है। मेरे अपने फैमिली के एक अंकल है जिनको 11 साल हो गए, अभी तक उनका कोई पता नहीं है कि हमें तो ये भी नहीं पता कि वो जिंदा है या नहीं। कम से कम हमें ये बता दो कि वो मर गए, हम उनके लिए एक नफल अदा करते, या हमें ये बता दो कि वो जिंदा है तो हम उनके लौटने की दुआ करें। ये माएँ जो इस वक्त बैठी अपने बेटों के लिए यहाँ पर आंसू बहा रही है, इनको इस वक्त अपने घरों में होना चाहिए, लेकिन वो इस सड़क पे बैठी हुई है। अब मैं आप सब लोगों की, मैं राशिद हुसैन की वालदा को दावत देती हूँ, जो इस वक्त हमारे बीच बैठी हुई है, कि वो आके अपने बेटे के लिए सारा जहाँ बोले।